श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। समला गो दो चरण को धनिये न छुड़ा यो किन लाख तड़ी लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन बाण तले पड़ी रहूं धनियर खुलो पालतू पलन वालों निरपुनेत्रे मेरे जीव के ही जीवन ए चरण मखना छोड़िए राखिए माहे नन्ने इन सब तो भक्त रस की मेरे जीव के ही जीवन श्रीरंदो सतगुरु शरण को करो सुप्रीम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करने देव चंद्र जी शुभ नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना श्री तेज कुंवर श्याम पल करूं प्रणाम पिया पल पल करूं प्रणाम मनुष्य प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर सा की प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर सा जी आप सभी सुंदर साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चेतन भी कितना आनंद है, कितना सुख भरा हुआ है, कितना चेतनी का महत्व है सुंदर सा जी। चेतनी का जितना ही महत्व महिमा वर्णन किया जाए सुंदर सा जी बहुत ही कम है, बहुत। सबसे पहले चेतनी के लिए सुंदर सा जी अपने चित्त को एकाग्र किया जाता है, चित्त एकाग्र लिया जाता है और पलाठी मार करके सरलासन से कहा जाता है सरलासन बैठ जाया जाता है। गर्दन भी सीधी, कमर भी सीधी, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दिया जाता है। जरा भी अकाहट नहीं होना चाहिए, ढीला होना चाहिए। और जब चितनी में बैठे, जब तक चितनी करते हैं तब तक ये सोचते हैं कि न मेरा शरीर है न मैं शरीर हूं। पहले इस शरीर से हम अपने आप को जुदा कर देंगे, बिल्कुल शरीर का कोई अंग हिलना डुलना नहीं चाहिए। तभी होगा कि मैं शरीर में नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं। कबीरदास जी महाराज, संत कबीरदास जी चितनी के विषय में, ध्यान के विषय पर एक चौपाई बोलते हैं, कैसी चितनी होती है, कैसी चितनी की जाती है। तन थिर मन थिर सूरत निरतिर होए कह कबीर ताप पलक की कल्पना पावे को। तन थिर कह रहे कबीरदास जी, सबसे पहले बेहतर को बिल्कुल स्थिर कर देना चाहिए, पत्थर की मूर्ति की जैसे बना देना चाहिए, बिल्कुल कोई अंग हिलना डुलना नहीं चाहिए। जब तन स्थिर होगा मन अपने आप स्थिर जाएगा, मन स्थिर होगा सुरता जो ध्यान है अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। सुरता कंट्रोल होगी फिर निरथिर होए, निरत इंद्रियों का कंपन, इंद्रियों का चलायमान स्पंद हो जाएगा। कहते हैं ये सब की सब अगर कह कबीर ताप पलक की, और एक पलक समय जो है कि सब के सब प्रीतम के चरणों में अगर लग गए, सुता लग गई, ध्यान लग गया, कह कबीर ताप पलक की कल्प न पाने को। एक पलक अगर ध्यान लग गया, चितनी लग गई, ध्यान लग गया चरणों में, तो समझे ए पलक ध्यान कल्प के बराबर तपस्या। एक कल्प ब्रह्मा का जो एक कल्प इंद्र कहलाता है, जिसमें चारों युग हजार बार चक्कर काट जाते हैं, इसको एक कल्प कहा जाता है। इतने समय के तपस्या का ध्यान का फल मिल जाता है।
अर्थात चाहे कोई कितना भी एक कल्प नहीं कई कल्प तक ध्यान करे तपस्या तो करें, लेकिन वह रस वह सब वह ताकत वह पावर ऊर्जा नहीं आती है कि एक ही पल में जो है जी के चरण में ध्यान के अंदर से जाता है। एक पल के ध्यान के अंदर जो है कि इतनी ऊर्जा इतना घोर अंदर आ जाता है राज्य का कि मानो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सुख के स्वरूप आनंद के स्वरूप राज्य के ही प्रेम के स्वरूप राज्य में ही जीवन हो जाता है, रस में प्रेम में जीवन जाता है। जैसा कि तार्क ने बताया है पाठ हम करते हैं कि जब ये सुख अंदर में आवे तब छूट जाएंगे का कौन सा धनी में एकाग्रता। जब धनी में एकाग्रता आती है वो सुख आता है, धनी के अंदर जो नूर भरा इष्ट भरा प्यार भरा है अनंत गुण का भंडार भरा हुआ है अनंत अनंत रस का भंडार भरा और अनंत रस से एक ही पल की चित्रणी के अंदर है हमारे अंदर आ जाती है, जीवन बदल जाता है काया बदल जाता है। इससे बड़े बड़े हमारे महापुरुष हो गए हैं निजान सत्ता के अंदर जिन चितनी के आधार पर है कि उस पर हम सुख का लज्जित लिया स्वाद लिया है स्वाद चक्र। तब चलते हैं सुंदर साहब जी चितनी कैसे की जाती बता दिया है अभी, अब एक बार तारतम का पाठ करें और तारतम का पाठ करते अपने सत्ता को तारतम द्वारा केंद्रित करेंगे, तारतम की चपाई के भाव के अंदर अपने आप को या अपने मन को एकाग्र करते जाएंगे। तारतम मतलब होता है मन का यंत्र, मन को कंट्रोल करने वाला यंत्र तारतम मंत्र कहलाता है। शुभारंभ करते निज नाम श्री जी साहेब जी अनाज अक्षरातीत सो तो अब जाहिर है सभी जन सहित श्री श्यामा कर सकते हैं सदा सत्सुख के दाता वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार है निराकार के पार से पार है अंग उत्कंठा मेरे करना है विचार है ये सतवाणी के लिए को सार है इन सार में कई सत सुखों में ये सुख दो सिद्धि को तो जब ये सुख में आओ तब छूट जाए विकार है आए आनंद अखंड वर को शिक्षा आय आनंद खंड वर को अपने समक्ष अपने शत्रु आकर विराजमान जाते हैं जिनके द्वारा धनी का निश्चित धनी का संबंध प्राप्त होगा। सम्मान देने वाले राज्य मेरे प्राण बोलो मेरे प्राण प्रीतम तन कोई भी हो तन किसी का हो लेकिन संबंध निश्चय जागरण करते हैं तो राज्य मारा सभी के चरण प्रणाम करते बड़ा श्रद्धा के साथ में हम राज्य को प्रणाम करते हैं भले तन सदगुरु वाले प्रणाम करते राज्य को प्रणाम किया अर्जी क्या है मेरे सब जैसे आपने तारतम ज्ञान से जागृत ज्ञान से आत्मा प्रणाम प्रीतम के पहचान निश्वत की पहचान कराती है निश्वत जुड़ा है निश्वत क्या है उसी कृपा दृष्टि से आप मेरी आत्म तक उस मूल मिलावा के अंदर जहाँ साक्षात और हम आत्माओं को चौधरी बैठाकर खेल दिखा वहां पहुंचाने की कृपा स्वयं सदगुरु हमें लेकर हमारी आत्मा को लेकर करके सही पांच परमात्म धाम जागनी रास का मूल मिलावा जहां पर श्री गुम्बद के अंदर तलघर में नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए झूलेदार पलंग पर विराजमान इतना तेज दिव्य प्रकाश श्री नृहति के तन को राज्य ने अपना तन बनाया अपना ही स्वरूप किया अपना स्वरूप देकर कितना धन्य रहता दंडवत प्रणाम करते हैं स्वयं प्राणों के नाश से प्राण राजी
कितना इंतजार नजरों में भरा हुआ, कितना प्यार भरा हम आत्माओं के लिए और साक्षात। और जी क्या है, मेरे धनी है मेरे प्यार मेरे प्राण बल्लभ, आपने आत्माओं को जगह कितना कष्ट उठाया, कितना यत्न किया है, कितना प्यास कितना कष्ट है, नाना यत्नाओं को नाना आपदाओं को सहन करते हुए फिर भी परमात्मा की जागने में आपका कदम बढ़ता आ रहा है। बस इतनी और कृपा कर दे मेरी आत्मा को, जहां आप उस मूल मिलाकर बैठे खेल दिखा रहे हैं वहां पहुंचा दे, ताकि जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए, जीवन का सुख आनंद क्या होता है अनुभव से किया जाए। बस प्रीतम जी स्वीकार करते हैं, अब अंगना भाव से एक दुल्हनी के रूप में प्रीतम के साथ भी चल पड़ती है। अब उम्री से तेजमय दिव्य स्वरूप से मेरे प्राण बोले मेरे प्राण पे मेरी आत्मा को लेकर चल भोर लोग देखते हुए सौर लोग महर लोग जन तप लोग सत लोग को देखते देखते आश्रम को ओंकार ज्ञान शक्ति गायत्री महातत्व शास्त्र शून्य को देखते हुए आदि नारायण और मोह तत्व को निराकार मंडल को हद मंडल को पार कर लिया, हद में हद को पार करके वेद मंडल में पहुंचते हैं। वेद मंडल के अंदर यक्षगण का कार्य स्थल है, जिस वेद मंडल के अंदर चार अंतस्करणों से चार पादों से जगत रचना का कार्य सर्वप्रथम अक्षगण के मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म के ईश्वर शरीर के लोकान प्रबंध है, ज्ञान शक्ति गायत्री जहाँ पांच वेदों के पांच वेद साक्षात मुक्ति बनते हैं, ऐसे अव्याकृत ईश्वर शरीर जो ओंकार ज्ञान शक्ति गायत्री देखते देखते सूक्ष्म काल जो काल पुरुष कहलाता है उसको पार करके सात शून्यों को पार करते करते अब महाकाल जहाँ स्वयं मंगला पुरुष विराजमान जिसको प्रकृति पुरुष कहा जाता है, इन्हीं के अंदर जगत रचना का कार्य संपन्न होता है। और आगे जाकर के साकेत लोग को देखते देखते रहेगी पृथ्वी में ब्रज है पृथ्वी में राह है, इसको देखते हुए अब अक्षर बन के चित्त स्वरूप सर्वम के अंदर प्रवेश करते हैं। सर्वम के सूक्ष्म से चिदानहरी चिदानहरी को देखा चले को देखते हुए कार्य में नित्य बोलो हमारी ग्यारह साल बहुत नीला अखंड रूप से चल रही है, देखा कैसे वृंदावन के अंदर ध्यान लीला किया कैसा प्यार जीवन मन देखकर याद आया वृंदावन को पार करके अखंड रास में फिर करते समय के महाकाल में महारास अखंड रूप से चल रहा, ये रास ऐसा रास था हमारा जीवन ही रस भी था, लेकिन ज्ञान तारतम ज्ञान न होने से हम ब्रज में भी धोखा खा रास में भी धोखा खा जागृत ज्ञान से निश्चित की पहचान। जब जागृत ज्ञान ही पहचान क्या पहचान लगा धनी के प्यार को प्राप्त कर सकते। अब सर्वों को देखते हुए अक्षर ब्रह्म ये बुद्धि खेल ब्रह्म के धाम में पहुंचते हैं, जहां पर राजी याद दिलाते हैं कि ये वही स्थान जहाँ एक रात्रि में रात्रि रास खेला था, इस रास लीला को जो है कि इतना याद किया। आगे अक्षर ब्रह्म के अहंकार के सत स्वरूप ब्रह्म है, सत ब्रह्म को पार करके वेद मंडल को पार करके परम धाम क्या याद परम धाम नूर नूरी परम धाम कहलाता है, नूर तत्व का परम धाम कहलाता है, हर चीज इस समय प्रेमयी जाकर कण कण प्रेम का साक्षात राज्य का ही स्वरूप साक्षात राज्य परम धाम के कण कण में विराजमान है। हमारे समक्ष क्योंकि परम धाम के पूर्ण सर्व सागर आया हुआ और सर्व सागर मेहर का सागर कहलाता है, उसे मेहर सागर राज्य उतारे हुए एवं मेरे वास्ते महकला सपने जाते मेहर जी तो होश है
मेहर का खेल है, मेहर के खेल में उतारे हुए हैं, इससे मेहर के सागर से। और मेहर का सागर जो सर्व सागर कहलाता है, संपूर्ण रसों का सागर, जहां हर सामग्री हर चीज जो है कि संपूर्ण रसों में, एक तो सर्व सागर संपूर्ण रसों का सागर, और दूसरे जो कि एक राज्य है जो संपूर्ण रसों के स्वरूप कहलाते हैं, इसे मेहर के सागर को राज्य का स्वरूप कहा जाता है। जैसे मेहर का सागर अनंत रसों का सागर, वैसे राज्य अनंत रसों के स्वरूप। जब सब सागर के आगे पहुंचते हैं, सबसे पहले हमारे अनंत रंगों के वन दिखाई देते हैं, जो आकाश को छू रहे हैं, नूरी वन। और वनों के ऊपर जो आकाश को छू रहे हैं, ऐसे वनों के भौम में अनेकों जाति के पक्षी हैं, जो अपनी अपनी भाषा में पिया पिया धनी धनी तुही तुही राज्य के जिक्र में भरक हैं। और जमीन पर जो कि वनों में जो है नाना प्रकार के जानवर दौड़ा दौड़ की दौड़ कर रहे हैं, ऐसे राज्य की मस्ती डूबे हुए हैं। अनंत रंगों के वनों को पार करने के बाद देखा कि बस भौम भर उसे चबूतरे के पद की बड़ी राम की हवेलियां आकाश को जगमगा छू रही, अनंत रंगों के नंगों की नकस का इसे युक्त रहे कि जगमग 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 जलाकार हवेलियां आकाश को छूते नजर। भौम भर से चल करके हमने गलियों की तरफ हरियों को पार कर दिया, गलियों के जो थम विशाल विशाल थम माड़ी पहाड़ी थम दिखाई दे रहे थे, मैं पहाड़ एक थम के अंदर मानी पहाड़ हो जाए, इतना विशाल थम यहाँ गलियों को हवेलियों को पार करने बाद सुंदर साजे उन्हें जमीन पर वन दिखाई दे रहे थे। मोहम्मद श्री चित वनों को पार करते और वनों को पार कर सब सागर पूरा किनारे पहुंच जाए धनी लेकर के। जब पूरब पे पहुंचते मुख हमारा पश्चिम में है, अब यहाँ धनी सब सागर के ऊपर खड़ा कर चारों सांवों के चारों कोनों में क्या कुछ शोभा आई है उसका दर्शन करा। सब सागर इतना विशाल और छोर ही नहीं कहीं लग रहा, कहाँ इसका और छोर कहाँ इसका किनारा पार पार नहीं कर, ऐसे सब सागर के चारों दिशाओं अनंत रंगों के वनों के बस लगता कि ही रुक जाए ही। हाँ, चारों कोने में विशाल अनंत रंगों के रेतियों मोतियों की रेती का मैदान है, जिनकी नूर में किरणें अथम में किरणें आकाश से टकरा रही है, टकरा कर जमीन पर आ रही है। क्या सब सागर मध्य के जिस हिस्से में अनंत रंगों के वनों से घिरे हुए टापू महल आकाश को छू रहे हैं, और टापू के चारों तरफ दो हिस्से में अगाध अनंत रंगों का जल भरा हुआ जो उच्च लहरों के साथ कड़प गर्जना कर रहा है। ये सब सागर जहां रस ही रस बरस रहा है, जिधर नजर जाते हुए रस ही रस बरसता मिला अनंत रस बरस। आप धनी लेकर चलते आगे बढ़ते हैं तो अपने दाहिने बढ़ेंगे, दाहिने मुड़ करके उत्तर चलेंगे तो पूर्व तरफ कोने पर पहुंच कर बाएं तरफ मुड़ सीधे चलते हैं। अब पश्चिम चलते चले जा रहे हैं, उत्तर पश्चिम कोना पर अपने मात्र में जाएंगे, अब जो है उत्तर से दक्षिण चलेंगे सब सागर पश्चिम के चलते चलते पश्चिम के मध्य में पहुंच जाते हैं। अब दाहिने मुड़ के सीधे पश्चिम जाता है और सामने वन नजर आ रहे हैं, अनंत रंगों के वन आकाश को छू रहे हैं। हमने रसों से वन को पार कर लिया, मोहम्मद श्री चल करके गरीब सैनियों को पार कर लिया, बन नजर आए जमीन पर, जमीन पर माना तो भौम को उतर करके वनों को पार करके जैसे आगे बढ़ते हैं तो महानद जो बड़ी राम फिराम के बीच में सीमा निर्धारित कर रही है, उस महानद विशाल नदी घेर करके गुलाई आई है। हमने पूर्ण के द्वारा पार दाहिने मुड़ करके एक बार दाहिने मुड़ते हैं, उत्तर से चलते हैं नहर के किनारे चलते चलते कितनी मधुर मधुर सुगंधी आ रही, ठंडी ठंडी हवा बेकरार कर रही है। आगे खड़ी नहर बन जाती है, खड़ी नहर पहुंचते भाई तरह के सीधे पश्चिम हो जाता है, और पश्चिम कर करके दाए बाएं जहां तक नजर जा रही है वन ही वन वन ही वन, और वनों के बीच में छोटी राम की चार हवेलियां जो 60,000 मंजिल ऊंची आई हो, इतना सुंदर चार हवेलियों को छोटी राम को। आगे वन की नहरे वन के मोल आए हुए हैं, और जो
आकाश को छू रहे हैं, बन के नहरों को पार किया। आगे आगे मानी पहाड़ गद के अंदर महावन मधुबन महा बड़ो बन आए हुए तीनों वनों को पार किया। आगे जहरों की नहरों आ जाती है जो नौ प्राण आए हुए चार भूमकी आठ भूमकी सोलह भूमकी बत्तीस चौसठ भूमकी पुनः जाकर बत्तीस सोलह आठ चार ऐसे नौ फिर एक हीरे के जो जौहरों का मल बना हुआ नौ ग्राम चार ग्राम अंतिम आड़ी नहर को पार करके एक बार पुनः अपने दाहिने मुड़ते हैं। महानद के क्या चलते चलते उत्तर में एक दूसरी खड़ी नहर आ जाती है। खड़े पहुंचकर बाएं तरफ सीधे पश्चिम हो गया। आप चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं बने ही बन दाए बन बहुत दूर बने बने जा रहे हैं। हमारे बाएं तरफ जो है कि आगे बहुत दूर जो है कि अक्षर का नौ अक्षर धाम दाहिने बने बने जा रहे हैं। आगे जमुना जी आ जाती हैं। रोष आ गया दो हारे दो भूम की ऊंची आई है चली जा रही तो भूम की उखराई रोष को पार किया बन के रोष को पार किया पार कई प्रकार झूले लट रहे याद आ गया केल के फूल में राज्य भर में प्राण कैसे झूले का आनंद देते मेरे गले में बाहें डाल करके हम उनके गले बाहें झूला का आनंद देते के ही स्वरूप है चैतन्य है दिव्य है। जमुना जी को पार कर लिया आगे जल के रोह से तीन से पाल पर पहुंच कर बाई तरफ मुड़ जाते हैं सीधे अब तस्वीर चले हैं। केले का बगीचा आ जाता है केले का बगीचा कई कतरे केले लटर कहीं जल पर मानो कि जमुना को तोरण सजाए गए हों कहीं कच्चे पक्के केले हैं हरे पीले रंग के हरे केले हैं कहीं लाल है कई रंगों के केले पांच भूम के पांच केलों कतरे लटक रहे हैं तोरण ये वही बना गया है अनार बना गया है अमृत बन में पहुंच जाते हैं। आम बगीचे हर प्रकार के मेवे आए हुए हैं अमृत बन के मध पहुंच करके अब मुख सुंदर कितना सुंदर पाठ बारहतम जलवित स्वरतम आए हुए प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। जो स्वरतम चार चार है निर्विक आए हुए हैं वो साक्षात जा क्योंकि परमधाम में कोई पर्दा है ही नहीं है कोई आड़ा होता ही नहीं परमधाम एक नूर तत्व का है इसका संकट परमधाम सुंदरता जी है इसमें कोई पर्दा होता ही जहाँ इसको होता है इसलिए ही इसको होता है इसकी जगह पर विशेषता होता ही इस आग है आग में क्या आपके सामने क्या जहाँ आग वहां आग ही आग होता है इसलिए इस सब को आग कहा गया है ज्ञान को आग कहा गया है। जिस दिन में इसकी धड़कती है इसकी अग्नि धड़कती है सब जलाकर खाक कर देता है इसके ही इस तरह है। जिस दिल के अंदर राज्य का ज्ञान आता है वहां सिर्फ राज्य ही जाते हैं ये तो स्वभाव है इस किलम का इसे वाणी में श्री राजी कह दिया हुआ है इस किलम दो भक्त को चाहे जिनको जो देवे रब लो सो लेवे सिर चढ़ाए अगर इष्ट धनी का मिला तो वहां पर सिर्फ राज्य की चाहत होती है। इलम भी अगर मिल गया है तो सिर्फ राज्य की चाहत भी राज्य से होता है इलम भी राज्य का कहलाता है राज्य का ज्ञान है तो इलम कहलाएगा राज्य का इष्ट है इसका अब पाठ सोलह तमुख पर जो शतपति है जब उसके बराबर उस पर सुंदर साजिद है कि बस हम खड़े हैं दी तो पार घाट में पश्चिम सामने पांच की हरण की आई इधर उत्तर दोथम पुखराज पीले की शोभा दे और पूर्व दोथम माणी के लाल रंग के आए हुए हैं और दक्षिण दोथम हीरे के आए हुए हैं और चार और फोटो में चार तम नीले के आए बारह तम बारह मेहराबे इतना सुंदर ऊपर झंकी किनारे पर कांगड़ी आ गई है बीच में देहरी आ गई है कलश अब पाठघाट में आकर कर धनी का आज्ञा पा करके जमुना में प्रवेश करते हैं। जमुना में प्रवेश करते
इतना सुगंधी से भरा हुआ, मानो यमुना जी क्या है, नाना अपने इत्र की ही यमुना जी बहुत सुगंधी आ रही है। ऐसे सुगंधी क्यों ना हो, ये तो यमुना जी जल की राज्य की क्या रही, सारा प्रमदान के कोई भी हो कुछ भी प्रमदान सब दिल का इष्ट है, यानी कि दिल का इष्ट है हम उन्हीं के वास्ते, राज्य ने अपने दिल के इष्ट को 25 पक्षों में। अब ये खेल के अंदर पता चला, आकर इधर से खेल पता चल गया है कि परम धाम 25 पर चलेंगे, ये राज्य की दिल का इष्ट है सुंदर, और ये तो एक परम धाम है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं है, और ऐसे अनंत परम धाम 25 पर चावती ने राज्य के दिल में देखा कि दिल में अनंत 25 पर ये कहीं का शुमार नहीं है, तो अनंत का कहां शुमार, इसका कोई अंत होता ही नहीं है, प्यार अनंत होता है, ज्ञान अनंत होता है। अब जमुना जी चिल्ला करते 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 मानो अपने परातम जो प्रेम का इष्ट का स्वरूप पा लिया हो, इतना सुंदर। जब स्नान करते जमुना जी के पूर्वी पश्चिमी किनार पर जो है दोनों पुलों के सात प्रकार के वन आए हुए हैं, इधर जो है कि उत्तर तरफ से जब देखते हैं तो केले के फूल के लगकर करके केले का बगीचा आ गया, केले का, लिबोई का, अनार का, अमरूद का, जाम का, नारंगी का, बट का, सात घाटों वृक्षों की पांच भौम की डालियां वो झूलों के सहित, इतना सुंदर मानो तोरण सजाया गया पूरब में पश्चिम, इधर सातों घाटों के उत्तर और दक्षिण में जैसे जमुना जी के ऊपर पांच खंड के पांच भौम के एक ही हीरे के अंदर फूल केल और बट का पुष्प पाएगा, क्या नजारा। इधर जमुना जी के जल रोष पर दोनों जल रोष के ऊपर देवियां जो छुटक छुटे देवी सातों हर संधि के सामने छुटक देवियां जो एक हीरे के अंदर, क्या नजारा। बस लगता ही रह जाने आगे जाने के मन करता है, इतना आनंद आ रहा है, इतना शुभ स्नान करने के बाद। अब जमुना से निकल करके सीधे छह करके जब देवरियों के अंदर प्रवेश करते हैं, देवरी में जाते ही कि अपने प्रवेश किया, जब मंदिरों में प्रवेश करते ही वस्त्र भूषण है पेट से कल करके खुद वस्त्र है चेतन है इसके वस्त्र सजने के बाद अंग प्रतंग में आभूषणों के श्रृंगार होता है, सुंदर श्रृंगार इतना सुंदर स्वरूप एक अब प्रतंग से मिलन कब होगा, अब नहीं रहा जाता है फिर, और मिलन की लालसा लेकर पाठ घाट को पीट करके पाल से वन के रोष पार करते सुंदर सारे अमृत वन के बीचे बीच जो सड़क आई है रोष आई से अब कदम रुकता नहीं है, दाएं बाएं नजर नजर जहां तक जा रहे उत्तर दक्षिण में बार बार रंग बिरंग का चंद्रमा, जमीन पर कहीं फव्वारे छूट रहे हैं, कहीं नहरों का पानी भाग रहा, और बगीचों के अंदर नारे जानवर जो दौड़ा दौड़ कर रहे हैं मिलाकर, इतना सुंदर नजारा है। नूर मेजवन और फल ऊंचे ऊंचे फल तोड़ के छाल लटक रहे हैं उनके, आगे चाय चौक पहुंच जाते हैं, चाय चौक में जो है पहुंचते ही मोतियों की रेती दो कोनी कई प्रकार की मोतियों वाली चाय जड़े हों जिनके सफेद नूर में किरणें आकाश मन एक सभी हीरा का खड़ा होते है, और चाय चौक के इधर उत्तर में पूरब में और दक्षिण दिशा में अमृत बन के जो है बिछो के दो फूल सहित आम के गुच्छों में जैसे अंगूरों के अंगूर के गुच्छे लटक रहे, कई बार मेवे लटक रहे हैं सामने जल पड़ती है, बहुत बार बोल शब्द रंग आकाश जैसा गुरु अल्लाह ने कहा कि सामने दीवार एक लाल रंग के अनेकों रंगों के नंगों में आई है, तो दस मंदिर के दरवाजे में जो हाँ से है लाल रंग के अंदर आया हुआ है, कितनी सुंदर इतनी सुंदर सुनिया, चार छोटी सुनिया
पांचवी बड़ी चार पांचवी ऐसे कुल ग्रह की 80 श्रेणियां 20 चारे हैं और हर एक श्रेणी में अलग अलग गिलम बिछा हुआ है। पश्चिम गिलम गिलम में चित्रकारी आई है, चित्रकारी सीढ़ी के दोनों किनारे पर दीवार दीवार पर कांगरी आई है, मानो बल्ब जल रहे हों। ऐसे बस पहली सीट पर कदम रखते ही लगे दरवाजे सामने चौक जाते अभी स्वचलित है, चेतन है भी पलक झपकते ही पता नहीं कहाँ पहुंचा आगे। अब लूंगा दरवाजा, मुख्य दरवाजा दो मंदिर का चौक दो पंप का विशाल दरवाजा दिखाई दे रहा है, बड़ा दरवाजा होने थे। दोनों दरवाजे दो चबूतरे आए हुए हैं दोनों तरफ में, जो चार मंदिर के लंबे दो मंदिर चौड़े चबूतरे आए हुए, फिर चौक से एक हाथ ऊंची आई हुई और दोनों चबूतरों की पूर्वी पश्चिमी किनार पर बीस था बाईस चौक के चारों को विशाल थम चार हीरा के आए हुए हैं, जो दो बम के चले गए हैं। चार हीरे के थम के दाएं बगल चार थम माणिक के दिखाई लाल के आए हुए हैं, चार माणिक के दाएं बगल चार थम पुराज के आए हुए हैं, और पुराज के चार थम के दाएं बगल चार थम पांच के आए हुए हैं, और चार थम पांच के दाएं बगल चार थम मेलवी के छिपोने का। इतना सुंदर चबूतर गिलम सिंहासन दरबारी की शोभा देखते हैं। दरवाजा दरवाजे के दाएं बाएं अलग अलग मंदिर की दीवार के अंदर नाना प्रकार रंगों के चित्र है, फूल है, बेल है, बूटे पशु पक्षी सब चेतन दरवाजे चौकट लाल मान के चौकट लाल की चौकट आई है, पल्ला है पल्ले किनारा है पांच नंग है हरे रंग का आया हुआ है, और दरवाजे खुली चौक में एक छोटी सी मेराब दिखाई दे रही, छोटी मेराब के ऊपर नजर जाती है, एक बड़ी मेराब के अंदर नौ छोटे दरवाजे नजर आ रहे हैं। मध्य की मेराब में बाहर निकला झरोखा लंबा झरोखा 11 हफ्ता लंबा, इतना सुंदर दाएं बाएं जालीदार मेराब आ गए, फिर दरवाजा आ गया है, फिर जालीदार इससे छह जालीदार है, दो दरवाजा एक झरोखा नौ मेराबे बड़ी मेराब के अंदर स्पर्श, इतना सुंदर नजारा। अंदर प्रवेश किया गली को अट्ठाईसों के पहुंचते ही दाएं बाएं नजर करते हैं मंदिर दोहारों के बीच समक दो हार तीन गलियां थम मड़ी में है, दीवार भी मड़ियों के हैं लाल रंग के दिखाई दे जगमगा। अट्ठाईस चौक में जमीन पर गिलम बिछा हुआ, छत में चंद्रमा तना हुआ, कितना सुंदर दरबार राज्य का, खुद राज्य शोभायमान हो रहे हैं यहाँ पर। अब अठाईस को पार करते हैं, पुनः गली को पार करते हैं, आगे पहली चौरसरी की होली कराती है, जिसके पूर्व में दैरान आया हुआ है, दैरान से दरवाजा नहीं आया हुआ, दैरान से के अंदर प्रवेश करने के एक हाथ दोगली को पार किया, आगे चौथा तीन श्री चौथरों को पार चौथरों पार पश्चिम के तमुख एक हाथ दोगली को पार करके पहली चौरसरी के पश्चिम बाहर निकली, आगे थमों के द्वार तीन गलियां पार कर करके दूसरी चरण से लेके पुरुष दरवाजे में अंदर गई, थमों के एक आग दो पार किया, पूर्व से तीन से चार के चबूतरे को पार करके पश्चिम से तीन से थमों के एक आग दो पार किए, पश्चिम से बाहर निकले थमों के द्वार तीन के पार करके तीसरी चरण से लेके पूर्व से में अंदर गई थमों के एक आग तीन से चार चबूतरे को पार एक हाथ दोगली को पार किया, चौथी चरण से लेके पश्चिम से ब्रदरस में अंदर गए थमों एक हाथ दोगली को पार करके चौथा के पूर्व से तीन से चौथे को पार पश्चिम तीन थमों एक हाथ दोगली पार करके चौथी चरण से पश्चिम से मैं बाहर निकली, क्या भी पांचवी गोल है मिली आ गई थमों के एक हाथ सीधी चलेगी दूसरी गोलाई मौके में पांचवी गोल है इसलिए क्योंकि दरवाजे के दाएं बाएं दो थम सामने पांच अनंत हरण के आई हुए, दरवाजा हरण का हो गया, हरण के दरवाजे अंदर में प्रवेश किया, थमु के फाड़ दो गली गुलाई में आई है, उन्होंने क्या दो गलियों को पार कर करके अगोल चबूतरा तीन सिंहासन के चबूतरे पर तो दो ही है, तीसरा तो चबूतरा हो जाता है सुंदर चबूतरे पहुंचा
लाल का पसली गिलम फिल्म के किनार पर शाम सफेद काला है सफेद हरा है पीला है पट्टी दोरी आई है पट्टी में कई तरह के बेल बूटे नकाशकारी आई है और मध्य सेंटर में हजार पांख के मंगल का फूल सवारे छत में रंग का चंद्रमा मोती के झालर जगमग जगमग कर अक्षरत के स्वभाव लोगों के दरबार सजा हुआ है मानो अभी भी दरबार सजा हुआ है। आगे कदम बढ़ता है चबूतरा के पश्चिम किनारे जो सीढ़ियां आई हैं शिव उत्तर साइड में पांच अनि थम्भ के बीच में कट लग करके कंचन सिंहासन युगल स्वरूप मेरे प्राण बल्ल मेरे प्राण प्रीतम दुल्हा दुल्हन विराजमान है इतना सुंदर सिंहासन में हमारे शैन जो है अपना दोनों चरण कमल नूर के चौकी पर श्री राजी अपना पाया चरण कमल चौकी पर रखते हैं दाहिना चरण कमल बाया चरण जंगे पर मोड़ कर रखे श्री राजी महाराज अपने दाहिने हाथ में जैसे सिराज मुस्कुराते अपना बाएं दाहिना चरण कमल बाएं हाथ में देते हैं दोनों चरण कमल दोनों हाथों में आया नहीं मन प्राण या हे मेरे प्राण पर चरणों से कैसे जो चरण मेरे प्राण जिस चरण दिल का जीव है तिने जो की जीव है तो बरस कर इसको तो ना सब इस चरण पर मेरे जीव के जीव है मेरे दिल के धड़कन प्राण इस चरण ही हमारा वस्त्र स्वरूप शनि हम है हम राज्य के चरण चरण राज्य के बस चरणों को पाया बाप ने आप को पा लिया जीवन चरणों से इतना सुंदर चरण गौर वर्ण है लाल लाल किरणें निकलता नाजुक कितना कोमलता का सागर है नाजुकी का सागर रस से भरा हुआ चरण का किस व्यवस्था के अनुसार बार बार चरणों को ललाट से लगाते हैं नित्य से लगाते हैं चुम सीने से लगाते हैं बस गणों में चरण चिपक जाते हैं इतना सुंदर इतना क्या रस भरा क्या अनादि काल से चरणों में रह कर करके चरणों का सुख लज्जत अब राजी ने सुख लज्जत देने के बाद से जुदागी का खेल दिखाया जुदागी का खेल दिखा करके अपने लाल का लज्जत में अब पता लगा जुदागी करना कि जुदागी में ही जय की संजोग का सुख मिलता है जब तक जुदागी नहीं तब तक न चाहते राज्य में जुदागी का खेल दिखा कर करके अपने लाड़ का लक्ष्य बार बार चरणों को देखते हैं चरण का लाल लाल इतना अंगुलियां पत्ते की अंगुलियां हैं अंगुलियों पर जो नाखून हीरे के माने लाल माल चेतन दिव्य से भरे अग्नि होम बुद्ध में इस कही का साथ इस कही इसमें ऐसे चरण को चिमार के सर का चुरा करता गाने के लिए कैसा रंग का लगा अनेकों रंगों के नमों के नित्य नकाशाई नकाशी आया हुआ है जगमग जगमग सफेद जामा तो नीचे तक शोभा ले रहा है चार तन कमर में नीला न पीला तोता रंग इतना सुंदर कंधे पर आसमान की आकाश को पिछोड़ी आसमान की पिछोड़ी आई है कई रंगों के नकश आई शेष कमर के मानो एक लाल कई रंगों के फूलों का
त्रिनाथ के शब्द वहां सामने कलंगी के शब्द दिखाई दे, लाल लाल गाल नेत्र मत वाले मस्ती जो नेत्र बाकी मत, याद आ यही नेत्र है जो नेत्र का बाहर चलाने में है क्या करते थे, इतना इष्ट भरा हुआ सुंदर नाश का दो नेत्र कमल मुखान दोनों अधूरे लाल कमल मन कमल का फूल ही खिला हो, ऐसे सुंदर नाशिका में लाल मोती बेसन लटक रहा कान में कंचन का बांध रहा है, इससे दो मानिक के दो मोती के रेवे लटक रहे हैं सुंदर, कई घुंघराले घुंघराले बाल कंदी बच्चों के काले, इतनी सुंदर आ रही भाव से आधे नाशिका से लेकर लाल रंग की तिलक की रेखा तो आई और दोनों भ्रुकुटी के बीच में लाल बिंदी आई है, बिंदी चाकू करकरी और करकरिया बारी बारी रेखाएं दिखाई दे मानो आनंद आनंद सूर्य उदय हुए हों, क्या शोभा सुंदर गले में पांच हार मोती है नीली है हीरा है माड़ी है लसनिया है पांच हारों पांच पेंडल लाकट आए और गर्दन पाए, सुंदर बाजू में बाजू बंद है जिसके कुंभक पांच रंग कुमल और हाथों कलाई में पहुंची कड़ा आठ आठ रंग आज बीती आई अंगूठी मानिक का छल मेरे पिया के बाह जो बाह गले में डाल कर आज कितना प्यार कर एक ही कंगों से धनी के चर कमल में सुंदर चार चार विषय ऐसे चिपके हुए चरणों से चिपके मानो मुझे जैसे दिखा कितना प्यार कर हमें चरणों को छोड़ा ही नहीं है मुझे दिखा रहे हैं चरणों के श्रृंगार देख देखो देखो हम कितना प्यार कर रहे चरणों ऐसे प्यार चरणों को चूम रहे हैं इतनी गजब की शोभा जब देखा अपने दाहिने तरफ हो राज्य के बाएं तरफ अपने दाहिने हमारे शोभावान सामने भरे भी राज दोनों चरण कमल दोनों चरण दोनों हाथों में लेकर के ननाट से नेत्रों से चुम गले से लगाया सीने से लगाया चरण कमल कितने सुंदर चरण कमल मस्ती से भरे हुए किशोर वासा चरण गौर भर गहरी गौर और गहरी गौर में लालिमा है लाल लड़के ने रस सूक्ष्म स्वरूप और मुन्मद मस्ती से भरा कौन हूं ये तो राज्य के दिल के आनंद के स्वरूप है राज्य के प्राण स्वरूप जिनके राज्य रह सकते ही ऐसे प्राण श्यामा जी के चरण तो मेरे शुभान श्यामा चरण बार बार चरण चरणों के स्वभाव के लिए बस आ लिया आप ही के द्वारा धनी का लाल प्यार और धनी का लाल प्यार दे कर करके चरण उठा नहीं रह जाता श्यामा उठा जाता बस जब छोड़ जब शरीर को देखते हैं तो बस दोनों एक समान मानो राज्य में श्यामा जी में राज्य की सभा क्यों न हो तो दोनों एक ही सलीला वेद से दो रूप दिखाई दे रहे हैं दोनों एक चरणों श्यामा चरणों में नील है पश्चरणीमा रंग का पेट और कई रंगों के नमो इतनी झील के बारे अतलस पड़ेगी पेटी कोट आया हो कांगरी कांगरी दिखाई दे रही है दस रंगों की कांगरी आई हुई है गोरे बदन में साम रंग की कंचुरी बिलाओ जो है कहने के लिए है कई रंगों की जरातों के तारों के बेल हैं बूटे हैं खजूरे हैं क्या पूरा मगजी को किया हुआ भराव किया हुआ कष्टाकारी बिलाओ
सुंदर पतली का पर्वतन, लाल चंद्र की साड़ी बेमिसाल शोभा दे, कहने लायक लाल, कहने लाल रंग देखिए, एक लाल रंग के कई रंगों के नमू जवाबों की इतनी बारीक कढ़ाई, बारीक कढ़ाई उसकी साड़ी ही कढ़ाई का, कई जगह रंग, कई जगह रंगों, कई नमू के रंग, कई रंगों के नम, कई प्रकार के शोभा दे रहे हैं। ऐसे हमारे चरण कमल अंगूठे में आरसे आया हुआ, कमल में बिछुआ आया हुआ है, भूमि बिछुआ आया हुआ, चरण में काली है कड़ला चार चार चरण को चूम रहे हैं, कमर में पतली कमर बंधन कमर बंद आया हुआ, जिसे मोतियों में लड़ियां लटक रही है, दोनों कर कमलों को श्यामल धनु कुछ कमलों को कमलों के जो है आठों आठ बेटी आठ नंबों की बेटी आई है, और दाहिने हाथ की अंगूठी में अंगूठी आरसी है, अपने पिया जी को निरखती रहती है, बाएं हाथ की अंगूठी में माने का चल आप पुरानी पहुंची है, नौ घड़ी नौ नौ चिड़ियां नौ चूड़ है, कंकनी है और बाजीबंद पूरा दोनों बाह भरा हुआ, गले का सुंदर शोभा सात गले से लगता हुआ कंसरी का हाथ, पांच रही कंसरी का हाथ गले से छिपका हुआ, और बिलाल के किनार पर से चंपा कली का हाथ, नीचे पांच चार मोती नीलवी हीरा माणिक सात हारों से पूरा जो कि श्यामल का सुंदर गले और बुखार में नजर करते हो नाशका ने सुंदर बेस्तर आया वो कान में झाड़ी चुमका सूक्ष्म झाड़ आया हुआ सुंदर ललाट पर मोती पानड़ी आई है, बिंदी है पानड़ी है, साड़ी के घूंघट पीछे राखड़ी आया हुआ है, फिर दोनों कट्टे पट्टी है केसकस कहलाता है, साड़ी के रुकने वाला चांद का कांटा आया हुआ है सिर के सेंटर, और छोटी किन्नु तीन गोफने और छोटी नीचे तीन गोफने आए घुंघरूदार आए हुए, क्या सामाजिक शोभा चित्र तिरछी नजर से राज्य को निहार रही हैं, और राज्य तिरछी सामाजिक निहार दोनों की नजर प्रत्येक शोभा को देखते जाए, इतना रस बस तो साक्षात खंड प्रेम के स्वरूप है, इसके रग रग में नस नस में सिंहासन सिंहासन जिसके छह पायल है छह डांडे हैं, एक ही डांडे में दस दस रंगों की किरणें निकल रही हैं, छह डांडे छह कलश हैं, दो छत्रों पर आए हैं, दोनों स्वरूपों के शीर्ष पर दो कमल के फूल खिले हुए छत्र के समान बारह हजार सखिया चबूतरे पर अनार के दाने से डाल घुटने एक करके नजर नजर नजरों से खिलता नजरों से नजर में पहुंचना है, क्या ऊपर चंद्रमा है सौ शब्द चौधरी किनार पर कचेरा जुड़ा हुआ बारह नंग चार धातु के एक एक चार के रंग चार चार के नीचे भी है कि चौसठ दूसरी हाथ दिखाई दे रही है, और दूसरे चौसठ मंदिर आए हुए चार चार मंदिर चार चार पूर्व दरबार रंग का आया हुआ, तो दक्षिण का लाल रंग का आया हुआ है, तो पश्चिम का नील रंग का, तो उत्तर का पीले रंग का दरवाजा आया हुआ है, के बाहरी भी चौसठ आई है, बस यहाँ जिसका नजर फिराते हैं रंग रंग के किरणें ही किरणें भरी हुई किरणें भरी हुई है, कोई खाली जगह नजर आता ही अनंत रंगों की किरणों के बीच हो सिंहासन की किरणें अलग जा रही हैं, और सिंहासन किरण सिंहासन में बैठे युगल स्वरूप के वस्त्रों की आभूषणों की अंगों की किरणें हैं, हो तो सब किरण पीछे ढके
इतना सुंदर नजारा मेरे बहन कान पर बस बस अपना इश्क इतना प्यार भी अपनी रात को वापस इश्क दिन में अपने मेहताज को हाँ चाहो मिलेगी ना साहेब किताब दाया इस तरह मुझे अपने मिलाया समझता सिर्फ आपका प्यार चाहिए आपका लाड़ चाहिए आपका इश्क चाहिए। जब तक अपना प्यार दोगे नहीं तब तक कैसे आप दीदार पाएंगे आपके जन्म कैसे उठेंगे क्योंकि आपने चैलेंज दिया होगा लाओ प्यार और दीदार। लेकिन हम प्यार कहाँ से रहे हैं प्यार का है आप ही आप जब धाम में हो आप जो कोई है ही नहीं है आप इसके भी आपका है सब कुछ आपका। इसलिए अब पता चल गया खेल के अंदर इस आप ही हो आप ही श्यामा जी के आप ही रूह के रूप में आप ही ब्रह्म 25 पक्ष के रूप में ब्रह्म कण कण ये आपकी वाणी ने भेद खोल दिया इसे बस अपना प्यार अपना लाभ इतना रस भरना प्यार हो जाता है चितनी के माध्यम से राज्य के अंदर इसका क्या दैविक दैविक भौतिक क्या संसार चितनी साक्षात राज्य से मिलाती है राज्य एकाकार करती है एक रस करती है। बिना चितनी के जीवन वैसे ही है जैसे बिना सुंदर के सुहागन का मान होता है बिना चितनी के जीवन वैसे ही है जैसे बिना चीनी के सपनपुटा के दिन चितनी के बस जीवन वैसे ही है जिन्हें देश बिना नमक के साथ साथ अगर जीवन में चितनी नहीं है तो कुछ नहीं खाए खाए एक चितनी ही माध्यम है जिसके माध्यम से हम राज्य का इसके पास इसके पास करके राज्य के क्योंकि इस ही एक ऐसा साधन है जो सबको जला कर खा कर जीवन स्क्रीन बना देता है प्रेम राज्य के प्रेम एकाकार कर देता है राज्य इसके के स्वरूप है और उनके में एकाकार होकर हम स्क्रीन हो जाता है जीवन हमारा और सुंदर सा बड़ी बहुत बहुत बड़ा लाभ आ जाती है कि चितनी के माध्यम जब राज्य के इसके अंदर आता है इसका हमारा बल होता आत्मबल है आत्मा बलवान होती है ताकतवर जब आत्मा बलवान होती है तो जीव भी बलवान होता है जीव बलवान होता है इंद्रिया बलवान होती है अर्थात माया हमारा कुछ कर नहीं पाती है। इतना बल आ जाता है इंद्रियों में इतना ताकत आ जाता है कि माया तो हवा जैसे उड़ जाती है कुछ नजर आता ही नहीं हर प्रकार का शुक्र हर इच्छा कोई इच्छा बाकी अधूरी रहती नहीं है राज्य का इष्ट आ जावे राज्य आ जावे और कोई इच्छा बाकी अधूरी रहे ऐसा कोई नहीं सकता। सुंदरता जी जहाँ राज्य का प्यार है वही राज्य महाराज है क्योंकि राज्य का स्वरूप ही इष्ट का है इष्ट अंदर उनका आया नहीं वो इष्ट रूप में आ जाते हैं जब इष्ट में राज्य आ जाते हैं तो बस हम परमधाम में बस जो बताया है कि राज्य छह रस नजदीक है वही हालत हो जाती है राज्य बिल्कुल करीब हो जाते हैं नजदीक मतलब प्राण बन जाते हैं जान बन जाते हैं अपने जीवन बन जाते हैं हर पल के साथी बन जाते हैं हर पल धनी का राज्य साथ है क्या हमारे साथ है क्या हमसे दूर नहीं ये चितवनी का सरकार जी का जो वचन है कि वाणी मंथन और चितवन रहने का कोई विकल्प नहीं सुंदर सा मंथन वाणी तो करना ही पड़ेगा वाणी मंथन से पहचान होगी फिर पहचान रहनी में रहनी का पता चलेगा चितनी चितनी हमारी रहनी है चितनी रूपी रहनी में आएंगे फिर अपने आप धनी का ये अंदर भरेगा हमारा सारा जीवन ही बदल जाएगा। सुंदर सा इतनी सेवा स्वीकार प्यारे दान के धनी की शत्रु महाराज सर्वसुंदर साहब।